सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको नई वीडियो में। और जैसे आप बताइए, सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन 5 अगस्त को लॉन्च हो चुका है और ये अवेलेबल होगा 21 अगस्त से शायद अवेलेबल हो जाएगा। और ये एक 5G फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन ये लॉन्च किया है सैमसंग ने। प्राइस के बारे में कोई कन्फर्मेशन अभी यहाँ पर नहीं है। और चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या हमें इसमें मिल जाता है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये लुक वाइज, मैं यहाँ पर पिक्चर आपको डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले हमें यहाँ पर 6.9 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और ये 2x कैपेसिटिव टच के साथ आता है। और यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर दो दिए गए हैं, फुल एच डी पर आपको वर्क करना है तो यहाँ पर ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। और क्यू एच डी पर अगर वर्क करें तो आप क्यू एच डी पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन का सपोर्ट दिया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन के बारे में, मतलब रेजोल्यूशन यहाँ पर हमें 1440x3088 का रेजोल्यूशन मिल जाता है। और यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 496 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी यहाँ पर दी गई है। और ये कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स का इस पर इस प्रोटेक्शन दी गई है डिस्प्ले पर। और ये डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करता है और ये Android 10 पर वर्क करता है। और वन UI 2.5 का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। और ये इसने जाइनोस के 990 प्रोसेसर के साथ आएगा, तो ऐसा कुछ कंफर्म है यहाँ पर अभी, जो कि 7 नैनोमीटर की प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो GPU यहाँ पर मालिका 77 मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं और रैम के बारे में, तो रैम यहाँ पर 3 इसके वेरियंट अवेलेबल होंगे, जो कि एक वेरियंट बेस वेरियंट इसका होगा 12 GB 128 GB, और दूसरा वर्जन 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज, और तीसरा 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज होगा। और यहाँ पर ये इस अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज के साथ आता है, जो कि UFS 3.1 बोलते हैं इसको। ये काफ़ी अच्छी बात है, फ़ोन की स्पीड काफ़ी अच्छी होगी इसकी। और यहाँ पर कैमरे की बात करें तो कैमरा यहाँ पर 108 मतलब 108 मेगा पिक्सल कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, कि OIS को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। और इसी के साथ यहाँ पर 12 मेगा पिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी लगवाया, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है और 50x जूम टोटल जूम इसका सपोर्ट करता है ये। और इसी के साथ यहाँ पर एक वाइड एंगल शॉट्स के लिए भी एक कैमरा लगवाया 12 मेगापिक्सल का। और अब सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, जो सेल्फी कैमरा यहाँ पर जो लगा हुआ है वो 10 मेगापिक्सल का है, और जो कि 4K वीडियो तक रिकॉर्ड करने में कैपेबल है। और यहाँ पर जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो 8K तक की वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है। स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर हमें स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी साउंड है इस फोन की। और बाकी सेंसर वगैरह की बात करें तो सारे सेंसर यहाँ पर दिए गए हैं, भर के सेंसर यहाँ पर दिए गए। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो इन डिस्प्ले है, यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया, तो फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया। बैटरी यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। यहाँ पर वायरलेस फास्ट चार्जिंग और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। कलर वेरियंट यहाँ पर 3 कलर अवेलेबल है, जो कि मैस्टिक बोन्स करके एक कलर है, और दूसरा कलर यहाँ पर मैस्टिक ब्लैक और मैस्टिक व्हाइट करके 3 कलर यहाँ पर ये वेरियंट अभी हुए हैं। आगे कोई कलर और आता है तो पता नहीं, अभी तो कोई कन्फर्म नहीं है। 3 कलर अभी कंपनी ने कन्फर्म किया है, तो 3 कलर यहाँ पर लॉन्च हुए हैं अभी ये। और यहाँ पर नेटवर्क के बारे में बात करें तो नेटवर्क यहाँ पर ये 5G सपोर्ट करता है लैपटॉप आउट ऑफ द बॉक्स, तो काफ़ी अच्छी बात है। 5G फ़ोन सैमसंग का, प्राइस से कंफर्म नहीं है, अगर प्राइस से कंफर्म होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्राइस का मेंशन कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर प्राइस मेरे को पता नहीं चल रहा है, तो जैसे ही प्राइस का पता चलता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा प्राइस का। और इसकी बॉडी की बात करें तो यहाँ पर स्टील का फ्रेम दिया गया है, और पीछे और आगे दोनों ही तरफ हमें गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब प्रोटेक्शन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है यार, ये थोड़ा सा अच्छा ही है, स्टील फ्रेम के साथ ही आ रहा है। और सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पर यार जो सिम ट्रे इसका दिया हुआ है वो हाइब्रिड सिम ट्रे है, तो यहाँ पर आप दो यूज़ कर सकते हैं, सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड एक सिम यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मेमोरी का SD कार्ड का सपोर्ट है वो यहाँ पर 1 TB तक का आप SD कार्ड लगा सकते हैं इसके अंदर, तो 1 TB तक का ये सपोर्ट करता है। और इसके वाटर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर IP68 की रेटिंग है, जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। और ये 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक आप इसको वाटर में रख सकते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, तो ये अच्छी बात है यार बारिश का मौसम में, अगर ऐसे में आप कोई बाहर जाते हैं लेकर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ये अच्छी तरह से काम करता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यार, इस वीडियो के लिए इतना ही यार, अगर कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझे कमेंट करें, इसका एक और वीडियो बना दूंगा बाद में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।